हाय नमस्कार। सो लंच हो गया अब उस केस की हियरिंग का। जैसा मैंने कहा 23 जुलाई चल रही है और इंटरेस्टिंग चीज़ें, और मुझे पता है फिर से सुन के कुछ लोगों को अजीब लगता है, कुछ लोग जो मेरे आईक्यू को अप्रिशिएट करते हैं कि, और ये नहीं कि सिर्फ ये वाला मुद्दा है या शायद कोई भी सामाजिक या पॉलिटिकल मुद्दा है, और फिर से ऐसा नहीं कि इस समय किसकी सरकार है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि हम हमेशा सरकार को यह पर्टिकुलर एजेंसी को ब्लेम करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है बहुत डिटेल्ड, पिछले 4 घंटे से बताया जा रहा है कि हजारीबाग में सुबह 8:30 बजे पेपर आउट होता है, बिल्कुल पेपर आउट हुआ है, लेकिन वो एक सॉल्वर गैंग था जो हजारीबाग में ही बैठा हुआ था, जो कि बेसिकली 5-6 टॉपर बच्चे थे पिछले साल के, उनको मिला के क्वेश्चन दिए गए, 180 क्वेश्चन है तो सबने मिल के 40-40 क्वेश्चन पकड़े और 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया, और वो सॉल्व पेपर फिर व्हाट्सएप से पटना भेजा गया। तो 2 जगह स्टूडेंट थे एज पर दी रिपोर्ट इनिशियली, पटना और हजारीबाग, कुल मिला के शायद 100-125 बच्चे थे, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, और बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में इन बच्चों को पेपर दिया गया। और चूंकि ये सुबह से पहले पेपर आउट कर नहीं पाए तो इन में से किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि इन्होंने तो शायद पैसा ये सोच के दिया होगा कि रात को पेपर मिल जाएगा, बट जो भी NTA की प्रोसेस थी शुडाई से बहुत अच्छी प्रोसेस थी, जिसकी वजह से रात अर्ली मॉर्निंग को बैंक से निकल के पेपर सेंटर्स में आए, और सेंटर वाले बिके हुए थे, बैंक वाले का बिकना फिर भी मुश्किल था। तो बेसिकली हजारीबाग में स्कूल का नाम भी खैर बताया जा रहा है, मैं भूल गया OSS पता नहीं क्या था, हजारीबाग में स्कूल था, तो जो स्कूल का कोऑर्डिनेटर है उसने अलाउ करा पेपर को निकाले जाना फ्रॉम दी ट्रंक, फ़ोटो खींची गई, वो फ़ोटो भेजी गई सॉल्वर्स के पास, अपने गैंग वाले के पास, गैंग वाले ने सॉल्वर्स को दिया प्रिंट आउट लेके, सॉल्वर्स ने क्वेश्चन सॉल्व करा, आंसर्स को फिर दिया गया बच्चों को, और वही आंसर्स भेजे गए पटना, जहां बच्चों से कहा गया कि 2.5 घंटे में आंसर्स रट लो, बट चूंकि बच्चे एवरेज थे वो आंसर्स रट भी नहीं पाए, और उनमें से किसी के भी कुछ बहुत खास अच्छे नंबर नहीं आए हैं। तो एक रात पहले तकरीबन अब साबित होता जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, और 5 तारीख की सुबह को पेपर निकला गया, और उसके बाद ना NTA ने निकाला ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला, स्कूल का जो कोऑर्डिनेटर है उसको पैसे दिए गए, और उसके बाद क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी कि जब एक सील पैकेट में वो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो क्वेश्चन पेपर निकाला गया, फ़ोटो खींची गई, क्वेश्चन पेपर वापस डाला गया, तो वो सील ब्रोकन थी, तो जब सुबह सिटी कोऑर्डिनेटर जो एक सीनियर बंदा है उसको भी देख के साइन करना होता है कि पेपर ठीक है, उसने भी देख के नज़रअंदाज करा क्योंकि वो भी मिला हुआ था, उसने भी पैसे खा रखे थे। और वही होता है जो मैं शायद पहले दिन की वीडियो से कह रहा हूँ, जो लोगों को सुन के अजीब लगता है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं बदलता, 1-2 ने ऐसे कमेंट डाले थे। देखिए मैं भी बहुत आइडियलिस्टिक बंदा हूँ था, और अगर हम आइडियलिज्म में चले ना फिर तो आधे हिंदुस्तान को हमें गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि बुरा मत मानिएगा सरकारी लोग तो 95% चोर है, कौन है जो चोर नहीं है हिंदुस्तान में, तो किसी के घर में जिसमें भी कोई सरकारी मुलाजिम काम कर रहा है क्या उसने कभी रिश्वत नहीं खाई, चाहे वो पुलिस वाले हों, इनकम टैक्स ऑफिसर हों, GST ऑफिसर्स हों, स्कूल के टीचर्स हों जो बिना बताए छुट्टी मार जाते हैं, चलो वो वैसे नहीं पैसे खा सकते, वो वैसे पैसे खाते हैं, तो इट्स अ करप्ट कंट्री है ना, वी ऑल नो ours इज़ अ करप्ट कंट्री, और हम पैसे लेके 2-4-5-10 लाख के लिए तो अपना ईमान बेचने को तैयार ही हैं। मैंने आपको इसका रेफरेंस भी दिया था जब मैं राजस्थानी कॉलेज में गया था, और वहाँ पर ये बात चल रही थी कि कॉलेज के अंदर जाके आपके एग्रीमेंट साइन होगा, और फिर बाद में पता चला कि वो जो साइन कर रहा है वो भी एजेंट का ही दोस्त है, और फिर मुझे ओनर ने बताया सर क्या करें हमारा बंदा ही मिल गया, मैंने कहा जी क्यों नहीं मिलेगा, 15,000 महीना तनख्वाह देते हो, कोई उसको 10 लाख ऑफर करेगा जो उसकी 5 साल की इनकम है वो तो बिक जाएगा ना, यही इन लोगों का हाल है। वो वहाँ के हजारीबाग का एक प्राइवेट स्कूल जिसके जो ये बंदे इन्वॉल्व हैं जिनकी मुश्किल से महीने की 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, उसको अगर कोई बंदा 10-15 लाख 20 लाख ऑफर करेगा जो कि उसकी 5 साल की तनख्वाह के बराबर है, वो बिक जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान में इतनी गरीबी क्यों है, क्यों इतने सारे लोग 25,000 महीने पे काम करते हैं, क्यों लोग 10,000 महीने पे काम करते हैं, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग सिस्टमेटिक फेलियर है इंडिया एज़ ए कंट्री का। बट आज जो हालत है उस हालत के हिसाब से हर बार सरकार, और सरकार किसी भी पार्टी की हो, बेसिकली गरीबी इतनी है या आम जनता इतनी है कि 10 लाख के लिए तो बड़े बड़े इंसान बिक जाएं, तो वो बेचारा सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और सिटी कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं बिकेगा, वही बिक गया, सुबह बिका, पहले बिका हुआ था, और जो उसके जब उसके हाथ में कंट्रोल आया सुबह 9 बजे पेपर निकाला गया, और ये जो 2-3 शहरों में लिमिटेड बच्चों को दिया गया, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ
इस समय लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जज साहब उसी को कुरेद रहे थे कि ये जो जहाँ से जो पेपर व्हाट्सएप किया गया है, क्योंकि तो वो यही देखना चाहते हैं कितना लार्ज स्केल लीक हुआ है, तो वही इंश्योर करना चाह रहे हैं कि भाई ये दो जनों को दिया गया या पूरे हिंदुस्तान में भेजा गया पर सुबह 10 बजे। और फिलहाल उन्होंने तो बोली फॉरेंसिक मांगा है कि फ़ोन शोन से लेकर आओ कि कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और जो एडवोकेट्स हैं फॉर एंटी वो ये कह रहे हैं कि अब तो सारे बंदे पकड़े जा चुके हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट है कि जो हम सब आपको बता रहे हैं, और फिर भी हम फॉरेंसिक वगैरह कर देंगे। बट एज ऑफ नाउ वी आर वेरी क्लियर कि दो जगह पेपर आउट हुआ, दो जगह ही पेपर दिया गया, आउट एक जगह हुआ हज़ारीबाग में दिया गया, दो शहरों में हज़ारीबाग और पटना पेपर सॉल्व किया गया। सुबह पेपर सॉल्व हो सकता है एक घंटे में, क्योंकि 5 लोग कर रहे थे, 5 टॉपर थे बेसिकली, जो खुद एम्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, आपने सुना होगा जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने करा। तो ये हुआ था जो बिहार में पेपर लीक को ये एनालिसिस किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से अभी तो वो रिपोर्ट आनी है फिजिक्स वाले क्वेश्चन की। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने बोला कि आज सुबह आई है, जब NTA के लॉयर ने बिल्कुल डिटेल बताया कि 8 सेंटर 12 सेंटर में था कि कैनरा बैंक वाला पेपर दे दिया गया था जबकि SBI वाला पेपर देना था। ठीक, तो फिर से बेवकूफ़ी कि मतलब कि इंस्ट्रक्शन आती है क्योंकि कि आपको पेपर देना है SBI बैंक का, और 12 सेंटर के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, सिटी कोऑर्डिनेटर जो भी थे, उन्होंने कैनरा का दे दिया। उसमें से 4 सेंटरों को आधे घंटे बाद पता चल गया अरे गलती हो रही है मुझसे, तो उन्होंने ना पेपर चेंज कर दिया, कैनरा वाला वापस ले लिया, SBI का दे दिया, और वहीं पर ग्रेस मार्क दिए गए हैं जिनमें से एक वो झज्जर वाला सेंटर था। बाकी 8 सेंटरों ने कैनरा बैंक का ही पेपर सॉल्व करने दिया, और कुछ तो 4,000 बच्चे हैं जिन्होंने कैनरा बैंक वाला पेपर सॉल्व किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ऑब्जेक्शन मतलब पॉइंट रेज कराया कि भाई अब 23 लाख बच्चों ने SBI वाला पेपर कराया, 4,000 बच्चों ने कैनरा बैंक का, तो कहीं ये तो नहीं कैनरा बैंक वालों के साथ अन्याय हो गया या उन्हें फ़ायदा हो गया, उनका पेपर का लेवल डिफरेंट था। और शायद वो ये भी सजेशन दे दें कि फिर जो एक चलता है JEE मेन में चलता है जहाँ 2 बार पेपर होता है और मल्टीपल डेज में होता है, कि एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो शायद वो नॉर्मलाइजेशन भी करा जाए तो फिर से वो दोबारा रिजल्ट बनाना पड़े NTA को 4 दिन लगा के। ये मुझे वो लग रहा है क्योंकि ये जो कैनरा बैंक वाला जो एंगल आया इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने काफ़ी कुरेदा है कि आपने नॉर्मलाइजेशन कराए कि भाई ये जो 5,000 बच्चे हैं और वो 23 लाख बच्चे हैं कि उनके साथ भेदभाव ना हो जाए, 5,000 वर्सेस 23 लाख कैनरा बैंक के पेपर को लेके। कल मिस्टर हेगड़े ने वो कह दिया था कि ग्रेस मार्क वाले बच्चों ने दोबारा पेपर दिया है, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म पेपर, वो तो फिर कैनरा बैंक के साथ भी लागू हो गया। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो ज़्यादा मुझे लग रहे हैं इस समय, एक वो फिजिक्स क्वेश्चन वाला, एक कैनरा बैंक 8 सेंटर, और ग्रेस मार्क वाले जो 4 सेंटर थे कैनरा बैंक पेपर वाले उनमें जिन्होंने रीटेस्ट लिया है, जो इन्होंने वो टेक्निकल मुद्दा निकाल दिया कि सारे बच्चों को एक ही पेपर देना था, तो आई थिंक उसमें ज़्यादा डिसीजन हो रही है। और काफ़ी हद तक इन्होंने जस्टिफाई कर दिया है कि मार्क्स के लीकेज नहीं हुई है, तो ये मुझे लंच तक लग रहा है। और फिजिक्स के क्वेश्चन वाला जो इशू है वो तो IIT दिल्ली से फीडबैक और आ जाएगी मेरे ख्याल से लंच टाइम तक, तो काफ़ी सही डायरेक्शन में चल रहा है। बट मैं भी सुन रहा था तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगे, और एग्जैक्टली वो स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो जो 2 सरकारी लोग इन्वॉल्व थे, अब ठीक है अभी कह सकते हैं जो उन सरकारी लोगों पे MLA का प्रेशर था, MP का प्रेशर था, CM का प्रेशर था, PM का प्रेशर था, जिसको भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी है, बट उन दोनों ने तो बयान दे दिए कि हमको पैसे मिले थे सब काम करने के लिए। और मैं हमेशा भाई कहता हूँ बियॉन्ड दिस टॉपिक, जब वो शायद नीरव मोदी का मामला हुआ था या बड़े बड़े बिजनेसमैन का जिनको कि गलत लोन दिया जाता है, तो वो लोन ऑफिसर्स बैंक वाले भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना गलत लोन देने में। अब सुबह शाम सुनते हो कि क्रेडिट कार्ड दिया गया बिना जांच पड़ताल किए, बैंक लोन दिए गए बिना जांच पड़ताल किए, क्योंकि वो सब मिली भगत होती है। बस अल्टीमेटली मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं दैट वी आर अनएजुकेटेड इलिटरेट एंड करप्ट कंट्री बिकॉज वी आर अ पुअर कंट्री। सरकारें जो मर्जी कह लें कि पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया के 135th रैंक पे आते हैं, चाहे हम एब्सोल्यूट टर्म्स में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, बट हम छाएँ भी तो 140 करोड़ की जनता, और 140 करोड़ की जनता में 100 करोड़ गरीब और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, तो उनका बिक जाना 10-20 लाख रुपए के लिए बड़ा कॉमन है, एक्सेप्टेबल है, लेट मी पुट इट दिस वे, अगेन एज अ पर्सन जिसने सीख लिया है आइडियलिज्म को छोड़ना और जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना, और उसके हिसाब से जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए करना। ओके, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आई होप लंच टाइम का अपडेट आपको मिल गया। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल जो कि सुन रहे हैं,
और ट्रैक कर रहे हैं इस चीज़ को, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस नीट टेस्ट को लेकर, जो सारे ही 23 लाख लोग हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।